गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ बचपन की यादें लेकर आ गई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा बनेगा और आप सबको बहुत पसंद भी आएगा। फ्रेंड्स, तो ये हमारे बचपन में बहुत ही बना है, आप सब भी बहुत ही खाए होंगे। बिल्कुल हलवाई के स्टाइल हम आज बना रहे हैं शकरपारे, जो कि बहुत ही एकदम क्रंची और एकदम क्रिस्पी बन के रेडी होगा। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल हेल्दी है। गेहूं के आटे से हम बना रहे हैं। आप इसे चाहें तो लंबे स्टोर करके रख भी सकते हैं, या कोई कहीं बाहर जा रहा है तो आप इसे बनाकर दे सकते हैं। तो इसे हमने ले लिया है 2 कप आटा, उसमें आधा कप सूजी और आधा कप चीनी पाउडर है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें और भी चीनी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमने ले लिया है नारियल का बुरादा, जो कोकोनट पाउडर आता है, उससे इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको हमने अच्छी तरीके से पहले सारे मिक्स कर लिए हैं। जो आटा है हमने इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है फ्रेंड्स कि बिल्कुल क्रंची बनता है और ये लंबे स्टोर तक चलता है, बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता है। ये हमारा है वाइट तिल, 2-1 चम्मच के लगभग हमने वाइट तिल डाल दिया है। और सबसे ख़ास बात इसमें कि इसका जो मोयन देना है फ्रेंड, इसमें घी से देना। घी को आप थोड़ा सा गरम ही कर लीजिएगा, गरम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हल्का गुनगुना सा होना चाहिए। और घी जो है, जमा हुआ घी बिल्कुल नहीं डालना है। तो इसको हमने आटा को साइड साइड में कर लिया है। अब ये हमने घी गरम था हमारा, हमने इसको ठंडा भी कर लिया है। अब इसको घी हम इसमें आधी कटोरी के लगभग हम इसमें घी ऐड कर देंगे। ये कटोरी हमारा एंड तक चलेगा मेज़र के लिए, इसी से हम माप के सब कुछ डाल देंगे इसमें। अब पानी भी जो है हमारा गुनगुना, जितना घी गुनगुना हो उतना पानी भी गुनगुना होना चाहिए। तो घी और पानी दोनों साथ में अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे हम बना रहे सेम अगर ऐसे बनाएंगे तो आपका बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होगा, ठंडा होने पे और भी क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी भी होगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम इसका डो लगाएंगे। डो फ्रेंड्स ऐसा होना चाहिए जो रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा गूंथना भी नहीं है हमें, बस मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसे हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। जब 10 से 15 मिनट के लिए ये रेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको दो पार्ट, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा ये फूल गया है, जो सूजी है अच्छी तरीके से फूल गया। और ये आटा देखिए बिल्कुल लेयर वाइज हुआ है। तो इसे हमें बहुत मैश नहीं करना है, बस हल्के हाथों से मिक्स करना है, नहीं तो इसका जो लेयर है वो रोटी में डिवाइड हो जाएगा, रोटी की तरह आटे हो जाएंगे। इसका लेयर जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा, लेयर बहुत ही अच्छा इसमें होना चाहिए। तो हमने इसको अच्छी तरीके से 2 पार्ट में कर लिया है। अब इसको हम बेलेंगे, थोड़ा सा आटा ले लेंगे, अगर आपका चिपक रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा हम आटा लगा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से बेलेंगे। ये जो फटा फटा से साइड साइड से आ रहा है इसको फटने दीजिएगा, बिल्कुल चिकना नहीं होना चाहिए। अगर चिकना हो जाएगा तो उतना अच्छा क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा लेयर वाइज होना भी चाहिए। शकरपारे बनाने के लिए सबसे इसकी खासियत यही है कि इसे बहुत ज़्यादा गूंथना नहीं पड़ता है। ये देखिए बिल्कुल फटा सा आ रहा है, मोबाइल में अभी हमारे नहीं अच्छी तरीके से दिख रहा है, बट ये बिल्कुल फटा हुआ है। अच्छी तरीके से हम कर देंगे। इसकी जो थिकनेस होती है, जिसकी लगभग 1/2 इंच के लगभग, आप अपने हिसाब अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितना आपको मोटा पतला रखना हो आप ले सकते हो। तो हमने इस अच्छी तरीके से बेल लिया है। अब इसको हम साइड साइड का जो है इसको अच्छी तरीके से कट करके निकाल लेंगे, चारों तरफ से इसको बिल्कुल इक्वल कर देंगे, बराबर सा हो जाएगा ये, तब ये इसका कटिंग जो है देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बिल्कुल हलवाई ऐसे ही बनाते हैं और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत टेस्टी। तो हमारे बचपन में मम्मी ने भी बहुत बना के खिलाया है, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इसको बिल्कुल इक्वल भाग में इसको पहले पतला पतला सा हम काट लेंगे, छोटे छोटे, जितना आप अपने अकॉर्डिंग बड़े छोटा साइज कर सकते हैं, जितना आपको बड़ा करना हो। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ये देखिए हमने इस तरीके से कुछ कट कर लिया है, इसको बिल्कुल अलग अलग से हम इसको कर लेंगे। तो जो जितने हमारे ये पार्ट हैं बिल्कुल इक्वल करके कट करके हम इसको साइड में कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये कट गया है अच्छी तरीके से। अब इसको हम साइड में, अब जो हमारा दूसरा पार्ट है इसको भी हम आपको एक बिस्किट बनाना बताएंगे। सेम डो रहेगा, डो इसका जो है बिल्कुल सेम रहेगा, टेस्ट भी सेम रहेगा, लेकिन देखने में जो बहुत खूबसूरत लगेगा। तो इसको हमने अच्छी तरीके से बेले, इसकी थिकनेस भी सेम होगी,
तो आप कोई भी कटर ले लीजिएगा या कोई छोटी कटोरी आपको साइज के अकॉर्डिंग, या किसी डिब्बे का ढक्कन आपके पास हो आप उसको भी ले सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे हम पूरा अच्छी तरीके से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसको कट कर लिया है। अभी जो इसमें का आटा है इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको हम फिर से मैश करके अच्छे तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमारे बिस्किट भी बन के रेडी हो गया है। इसको लंबा स्टोर मैं तो अक्सर बना के डिब्बे में भर के रख लेती हूँ फ्रेंड, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर कोई बाहर से आ रहा है, खाने का मन है, कुछ भी भूख लगी, छोटी मोटी भूख के लिए अच्छा है, और बच्चों को लंच में भी देने के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। अगर बाहर में कोई रह रहा है उसको आप बनाकर लंबे समय के लिए दे सकते हैं। ये देखिए हमारा दोनों बन के रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हाई फ्लेम करके पहले हम ऑयल को गर्म कर लेंगे फ्रेंड्स। जब ऑयल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो जाए उसके बाद हम जो फ्लेम है अपना बिल्कुल मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से तलेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा ये। देखिए हम तेल हमारा गर्म हो गया था, हमने इसको मीडियम फ्लेम कर दिए हैं। अब इसको हम ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ब्राउन भी हो गया है हमारा। तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा। 3 से 4 मिनट में ये फटाफट से हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर ऊपर का ब्राउन हो जाएगा, अंदर का नहीं होगा। और जो घी हमने डाला है, सबसे बड़ा तो इसमें घी काम करता है। घी जो है हमारा लेयर को अच्छी तरीके से अंदर तक पूरा सिक जाता है, इसीलिए घी को जो है हम मोयन जब भी दें घी से ही दें, और घी को थोड़ा सा गुनगुना करके ही दें। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल लेयर वाइज बना है, बहुत ही अच्छा। अब हम बिस्किट को भी अपने इसी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। बिस्किट भी हमने डाल दिया है। बिस्किट हमारा फूलेगा भी नहीं फ्रेंड, फूलने वाली बिस्किट ये नहीं है। अब बिल्कुल क्रिस्पी बन के जब ये ठंडा होगा, गरम गरम बिल्कुल नहीं खाना है इसे, जब ठंडा होगा तब इसे क्रिस्पी बिल्कुल। ये देखिए हमारा बन के बिस्किट भी रेडी हो गया है। अब इसको हम बिस्किट भी अपना अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ट्राई ज़रूर करिएगा। आप भी बनाकर लंबे समय तक रख सकते हैं। बाकी जो हमारा बचा हुआ है इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी का पाउडर ऊपर से डेकोरेशन करने के लिए डाल दिया है। ये शुगर पाउडर है अच्छी तरीके से। तो बिस्किट और हमारा ये शक्करपारे रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है, और इसका जो लेयर वाइज देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए बिल्कुल अंदर का देखिए कितना खस्ता जैसे लगा, बेटी लोग तो टूट पड़ी थी। ये देखिए बहुत अच्छा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। बाय गाइस।